दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पानी की टंकियों में मच्छरों की तलाश करते नजर आए। वो यहाँ डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के खतरे को भांपते हुए लोगों को जागरूक करने पहुंचे। और दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में जाकर पानी की दो टंकियों की जांच करने लगे, जिनमें एक टंकी में ताला लगा मिला जबकि दूसरी टंकी का ढक्कन टूटा हुआ था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने पानी निकालने वाले बर्तन से टंकी के पानी की जांच की, जिसमें उन्हें खतरनाक बीमारी फैलाने वाले मच्छर मिले, जिसकी पुष्टि उनके साथ आए एक अधिकारी ने भी की। देखिए जो मैं कह रहा हूं उसका इंपॉर्टेंस देखिए सर, ऐसा देश ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने जांच के दौरान एक फ्लैट के मालिक को भी बुलाया और उन्हें पानी की टंकी को बंद रखने की सलाह दी। कवर करना कितना जरूरी है जी सर, अगर इस कॉलोनी में बंदर आएगा तो भी प्रॉब्लम है, कोई भी इसके अंदर गंदगी जाएगी तो प्रॉब्लम है, और इसी साफ पानी के अंदर जो है ना एडीज वगैरह का लार्वा वगैरह जो है पैदा होता है। जाँच के दौरान स्वास्थ्य मंत्री को हाउसिंग सोसाइटी की छत पर कूड़ा और खाली बोतलें भी मिली, जिसमें बारिश का पानी भरने से मच्छर पैदा होने का खतरा था। ऐसे में उन्होंने एक फ्लैट के मालिक से पहले कूड़ा जमा होने की वजह पूछी और फिर उन्हें कूड़ा कचरा इकट्ठा होने से होने वाले खतरे के बारे में बताया। पानी इसमें बरसात का इकट्ठा होता है, इसमें बड़े आराम से मच्छर पैदा होते, मलेरिया का नहीं डेंगू का। बारिश के साथ ही दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हर्षवर्धन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो इसी के अंदर जो है ब्रीडिंग हो जाएगी, तो ये जो छत है ये एक्चुअली कूड़ा घर नहीं होनी चाहिए। छत भी उतनी ही साफ होनी चाहिए जितना हमारा ड्राइंग रूम साफ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की सलाह के बाद फ्लैट मालिक ने उनकी बातों पर अमल करने का भरोसा दिया, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों पर भी आरोप लगा दिए। तो नगर निगम है किसी भी जगह का, वो इस सब को चेक करने के लिए आना चाहिए कि पानी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे पहले हर्षवर्धन ने डॉक्टरों की एक टीम के साथ इलाके का मुआयना किया। और दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए 250 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम बनाई, जिसमें केंद्र, दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे, जो पूरी दिल्ली में न सिर्फ जागरूकता अभियान चलाएंगे बल्कि मच्छर पैदा ना हो इसकी भी जांच करेंगे। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने एक कार्यक्रम के जरिए की, जिसमें स्कूली बच्चों ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। हर्षवर्धन ने अभियान शुरू करने से पहले एक पौधा भी लगाया। नेपाल में बाढ़ का कहर कम नहीं हो रहा। बाढ़ की चपेट में आकर जान गंवाने वालों का आंकड़ा 79 पर पहुंच चुका है, जबकि कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। नदियों का पानी तेजी से शहरों में दाखिल हो रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि सड़कें पानी के साथ बहती दिख रही हैं। सड़कों के किनारे लगे कितने ही पेड़ टूट कर पानी के साथ बह चुके हैं। कुदरत के कहर का शिकार नेपाल के कई शहर बन चुके हैं। काठमांडू के एक हिस्से से हैरान करने वाली तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। नदियों का पानी सड़कों को काटता हुआ बेहद तेज रफ्तार से बह रहा था और तभी सड़क किनारे लगा हुआ एक खंभा भी उखड़कर पानी में गिर गया। पहले सड़क का वो हिस्सा गिरा जहां खंभा लगा था, फिर देखते ही देखते खंभा भी पानी में गिर गया। खंभे के साथ एक पुल भी था जो पानी में समा गया। बड़ी मत ये रही कि पुल पर कोई मौजूद नहीं था। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का पानी शहरों में दाखिल हो चुका है और हालात काबू में आने के कोई आसार नहीं दिख रहे, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और पानी के बीच फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चला जा रहा है। साथ ही राहत और बचाव का अभियान देख रहे अधिकारी लोगों को समझा भी रहे हैं कि बाढ़ के बीच कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए। घर समेत पूरा गांव पानी में डूब जाने की वजह से लाखों लोग सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। जलमग्न हो चुके गांवों के बीच से हजारों लोगों को बोट के जरिए निकाला गया। अब तो ऊंचाई पर मौजूद शहरों की सड़कें भी लबालब हो चुकी हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है। जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। सड़कें टूटने की वजह से कई शहर टापू बन चुके हैं और खाने पीने के सामान की किल्लत शुरू हो गई। इसीलिए अब बचाव दल के जवान ट्रकों पर नाव रखकर सड़कों से गुजर रहे हैं ताकि मुसीबत में फंसे लोगों को नाव के जरिए बचाया जा सके। देश के कई हिस्सों